बट वी वर सीइंग हम इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओम्स लॉ। एंड मैं मानता हूं कि काफी बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको ओम्स लॉ में काफी प्रॉब्लम है। तो अपन ओम्स लॉ के आज मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है कि ओम्स लॉ मुझे आगे 10 दिनों तक भी खींचना पड़े। मैं आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में कि इसके बाद, इस रिवीजन के बाद किसी भी बच्चे का ओम्स लॉ में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, सो लेट अस डू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन आई, दिस इज 3 and 6, दिस इज लेट अस सपोज 15 volt बैटरी, ठीक है, दिस इज 2 ohm रेजिस्टेंस, दिस इज 3 ohm रेजिस्टेंस एंड दिस इज 6 ohm रेजिस्टेंस। नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एवरीथिंग, सब कुछ निकालना चाहता हूं मैं सर्किट में। मैं पहले तो टोटल सर्किट के अंदर करंट निकालूंगा, देन आई विल कैलकुलेट वट इज द पोटेंशियल ओवर दिस रेजिस्टेंस, देन आई विल कैलकुलेट द पोटेंशियल ओवर दीज टू रेजिस्टेंसेस, देन आई विल कैलकुलेट द करंट इन दिस ब्रांच एंड आई विल कैलकुलेट द करंट इन दिस ब्रांच। ध्यान से देखना, जिस भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ध्यान से देखो, इसका इक्विवेलेंट ऐसे इधर बना रहा हूं, ये मैंने 2 ohm को ऐसे बनाया और जब इन दोनों को सॉल्व किया सो 3 6, दिस विल बिकम 3 6 डिवाइड बाय 9 एंड द आंसर विल बी 2 ohm ओनली। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दिस विल बी 2 ohm एंड दिस इज ऑल्सो 2 ohm, दिस इज 15 volt, सो द आर इक्विवेलेंट विल बी 2 + 2 इज इक्वल टू 4 volts, वोल्ट लिख दिया, सॉरी दिस विल बी ओम। एंड आर इक्विवेलेंट अपन को फाइंड हो गया, ओम्स लॉ लगाते हैं यहां पर, ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे और ओम्स लॉ लगाने के बाद करंट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। V is what? V is 15 volt divided by 4 ohms. सही बात है? The answer will be 3.75. सही है? 3.75. चलिए, तो फटाफट बताइए 3.75 एम्पियर इज द टोटल करंट। अगर सबको यहां तक समझ में आया है तो एक बार हैंड रेज कर दो। इफ एवरीबॉडी is comfortable up to this point, तो एक बार hand raise कर दो, फिर अपन आगे V1, V2, I1, I2 की values निकालेंगे। फटाफट पहले ये यहाँ तक hand raise कर दो। कुछ नहीं किया, सबसे पहले अपन ने इन दोनों को solve किया parallel में, इन दोनों को solve करके मेरे पास 2 answer आ जाता। फिर अपन ने 2 तो पहले से था, इस दोनों को series में solve कर दिया तो answer 4 आ गया। Total current निकालने के लिए अपन ने total potential divide by total resistance कर दिया, so 15 divide by 4 answer is 3.75. So I hope यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यहां तक अपन सबको क्लियर हो गया। अब हमें पता चल गया है कि दैट 3.75 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर, इस रेजिस्टेंस से 3.75 एम्पियर फ्लो करके निकलता है। तो इस पे जो पोटेंशियल है दिस V1, इस V1 की वैल्यू कितनी होगी, ओम्स लॉ फिर से लगा दो, ओम्स लॉ फिर से लगाया, ओम्स लॉ, वी विल गेट V1 इज इक्वल टू I इनटू 2 ओम रेजिस्टेंस, सो दिस विल बी I इज 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर विल बी 7.5 volts। सो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 volts आ गई, कितनी आई, 7.5 volts, बहुत बढ़िया, 7.5 volts V1 की वैल्यू निकल के आई। अब हमें निकालनी है V2 की वैल्यू। अब इस V2 की वैल्यू निकालने के लिए ये देखो, ये दोनों तो पैरेलल में, इनको पैरेलल में सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया था, 2 ओम आया था। जब मैं 3 और 6 को पैरेलल में सॉल्व करता हूं आंसर कम्स आउट टू बी 2 ओम, आंसर 2 ओम आ जाता है। तो ऑब्वियसली इस 2 ओम से भी जितना करंट पहले आ रहा है उतना ही करंट इस 2 ओम से भी जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली इस 2 ओम के पास V2 पोटेंशियल है, सो दिस V2 विल बी इक्वल टू 3.75
into 2 only and the answer will be 7.5 volts. So V2 ki value bhi yahan par kitni aa jati hai? 7.5 volts aa jati hai. V1 ki value bhi 7.5 volts, V2 ki value bhi 7.5 volts. Dono ki value same. Dono ki value same. Ab apan ko pata chal gaya V2 7.5 volts hai. Dhyan se dekhna, ab solve karenge. Ab dekhiye I1 nikalna, I2 nikalna. We know that these two are in parallel. And in parallel, the potential remains same. Potential same रहता है, ठीक है? Same रहता है, तो 3 ohm तो यहाँ पर है मेरे पास. इस पे potential कितना? 7.5 volt. So I1 will be calculated using V2 divided by R. और V2 कितना? 7.5 volt. और resistance कितना है? 3. So 7.5 divided by 3 will be the value of I1. And similarly, I2 की value निकालनी पड़ेगी. तो अपन निकालेंगे 7.5 divided by 6. And we will get the values of I1 and I2. I1 की value कितनी आ जाती है यहाँ से? 2.5 ampere. And I2 की value यहाँ से आ जाएगी 1. This will be 1.25 ampere. So I1 और I2 दोनों की values मेरे पास निकल के आ गई. Now just in case if you want to check that whether your answer is correct or not, आपको check करना है कि आपका answer correct आया है कि नहीं आया है. This can be written as I2 is equal to 1.25 ampere. आपको चेक करना है दैट वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. व्हाट विल यू डू? आप ये चेक करेंगे कि इस जंक्शन को कितना करंट अप्रोच करता है. इस जंक्शन को करंट अप्रोच कर रहा है 3.75. आपने आंसर निकाला I1 2.5, I2 कितना? 1.25. I2 कितना? 1.25. तो ऑब्वियसली 3.75 एम्पियर शुड गेट डिवाइडेड इन टू दीज टू ब्रांचेस. चेक करने के लिए आप इन दोनों को ऐड करो, 1.25 प्लस 2.5 और आंसर कितना आ जाना चाहिए? 3.75. अगर ये आंसर आपका आ रहा है, दैट मींस आपने जो कुछ भी कैलकुलेशन की है, दैट इज परफेक्ट, देयर इज नो मिस्टेक इन, उसमें कोई भी गलती नहीं है. इस चीज का ध्यान रखना है आपको, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है दैट जब भी आप इन टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इन टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो टोटल करंट निकालना, टोटल करंट के बाद इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकालने, फिर इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के बाद इंडिविजुअल करंट निकालना. दिस शुड बी योर अप्रोच. फटाफट बताइए क्या यहां तक सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पास, टेल मी एवरीवन, ले जांच. एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं 2 मिनट का टाइम भी दूंगा सभी बच्चों को, आप लोग मुझे उसका आंसर भी सॉल्व करके बताएंगे. फटाफट फटाफट. Yes, very good, very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, very good. Yes, everyone, everyone. कपिल धायल, केशवी, मनदीप, एक एक का नाम लेना पड़ेगा क्लास में. सुमित खत्री, वागिनी, चलिए वेरी गुड. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसी के अंदर अपन एक अगला टाइप देखेंगे. मैं चाहता हूं आप ही को, आप ही लोग उसका आंसर मुझे बताइए. Next question is like this. This is 3 ohm, this is 6 ohm, this is 2 ohm, and this is 6 ohm. All connected to a 10 volt battery. All connected to a 10 volt battery. Fatafat. I want total current, first of all I want total current, then I want individual potentials. इस पे जो V1 potential है और इस पे जो V2 potential है, मैं इन दोनों की values मांगता हूँ. फटाफट
क्या क्या वैल्यूज रह सकती हैं, कैलकुलेट करके बताइए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस आई एम गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड दी इंडिविजुअल, इन दोनों को अपन ने सॉल्व किया, 3 और 6 को सॉल्व किया 2 आया, फिर इन दोनों 2 और 6 को सॉल्व किया आंसर आया 1.5। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ आर इक्विवेलेंट। यस रेज योर हैंड्स, 2 स्टूडेंट्स ओनली, अपेक्षा एंड आयुष्मान। आयुष्मान बताओ, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए मुझे, करंट की वैल्यू में किसी और से पूछूंगा, बताओ आयुष्मान। सर आर इक्विवेलेंट 3.5 ओम। ठीक है, 3.5 ओम सही है। यस अपेक्षा टेल मी करंट। सर 2.85 एम्पियर। 2.85 एम्पियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे पास 3.5 ओम तो निकल के आता है R equivalent, क्योंकि सिंपल है 1.5 प्लस 2 कर देंगे 3.5 आ जाएगा। और पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता ही है, 1 upon R is equal to 1 upon 3 plus 1 upon 6। इसको सॉल्व करोगे R1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और ऐसे ही जब अपन 1 upon R2 is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 6 करेंगे तो यहां से R2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो ये मेरे पास पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका होता है। उसके बाद मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो सीरीज में आंसर आ जाएगा मेरे पास। चलिए ये तो मेरे पास बात हो गई आर इक्विवेलेंट की, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, टोटल करंट निकालेंगे, तो टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कर देंगे। टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 3.5, इसमें से 1 0 गया ऊपर, द आंसर विल बी 50। 50 ना रख करें, इसको अपन लिख देते हैं 20 डिवाइडेड बाय 7। यस और नो, 20 डिवाइडेड बाय 7, एंड जब अपन इसको कट करेंगे दिस विल बी 2 पॉइंट, आंसर क्या आ जाएगा 6, सो 8.5। ठीक है, 2.85 एम्पियर इज द करंट। तो यहां तक तो अपन ने टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट निकाला, टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट आ गया है मेरे पास। अब मैं निकालना चाहता हूं V1 और V2 की वैल्यूज। ऑब्वियसली देखो V1 था 2 और 6 पे, दोनों पे V1 पोटेंशियल, तो मैं बोल सकता हूं 1.5 पे भी कितना होगा, V1 पोटेंशियल ही होगा। और 2 इन दोनों से निकला है, इस पे पोटेंशियल V2 था तो इस पे पोटेंशियल V2। वी नो दैट करंट थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस इन सीरीज इज सेम, सीरीज में जो करंट रहता है वो सेम रहता है। तो अब मुझे कौन बता सकता है V1 और V2 कैसे निकाला जाएगा, टेल मी फास्ट, दो स्टूडेंट्स यू कैन टेल मी V1 एंड V2, रेज योर हैंड्स। यस आयुष्मान, वरुण, बहुत बढ़िया। एनी अदर स्टूडेंट्स, एवरीवन एवरीवन, बेटा आंसर नहीं भी निकला तो मुझे मेथड बता दो, आंसर मैं खुद निकाल दूंगा। अगर आंसर नहीं भी निकला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई वॉन्ट जस्ट द मेथड। मोनेश, अपेक्षा, कीर्ति, वेरी गुड। कीर्ति हंस, यस टेल मी V1 की वैल्यू बताओ कीर्ति, कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है दैट इन दोनों पे मेरे पास पोटेंशियल सेम है, V1 है, V1 हम निकाल चुके हैं 2.85 × 1.5 पुट करा, डिवाइडेड बाय R1 2 एंड R2 इज 6, तो इस तरीके से I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली I3 की वैल्यू कैसे आएगी, V2 बाय R3 कैसे होगा, देखिए यहां पर V2 कितना 2.85 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय R3 कितना 3, सो दिस विल बी 2.85 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस विल बी 2.85 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय। और मेरे पास सारे के सारे करंट भी आ गए, सारा पोटेंशियल भी फाइंड हो गया, टोटल करंट भी निकल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकल गया। फटाफट बताइए रेज हैंड करके, क्या सबको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे अपन को ये क्वेश्चन करने हैं। फास्ट फास्ट एवरीवन टेल मी देट, क्या अपन को यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस यस,
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा टफ बनाते हैं इसे, ठीक है, थोड़ा सा टफ और बनाएंगे ताकि देखने की कोशिश करते हैं क्या सबको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। आंसर्स आप लोग भी सॉल्व करते रहें, मैं भी यहाँ पर सॉल्व करूंगा, फिर जो लोग भी सॉल्व कर लेंगे वो रेज हैंड करके मुझे बताएंगे कि हाँ सर हमसे सॉल्व हो गया, हम आंसर बताना चाहते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन इज दिस, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 12 ओम। ठीक है, एंड दिस इज 5 ओम। द बैटरी विच इज कनेक्टेड इज 20 वोल्ट्स। अब यहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3, V1, V2 एंड V3। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, टोटल करंट इज I। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट R इक्विवेलेंट कितना आता है, फिर उसके बाद बताइए टोटल करंट कितना आता है। Those students who can tell me ki what is the value of R equivalent, raise your hands. Current yahan par kitna rahega? Now we want to calculate that what is the value of V1, V2 and V3. Individual jo potentials hain, inki value upon calculate karna chahte hain, V1, V2, V3. Dhyan se dekhiye, iske andar jo current ja raha hai, wahi current iske andar jayega, wahi current iske andar jayega. That means V1 की वैल्यू निकालेंगे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करके निकल सकती है, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R, सो दिस विल बी 2 × 2 विच इज 4 वोल्ट्स। सिमिलरली V2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, V2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, जिसका आंसर निकला था 3 ओम, सो यहां पर निकलेगा 2 × 3 विच इज 6 वोल्ट्स, और ऐसे V3 की भी वैल्यू निकाल लेंगे विच इज 2 × 5 विच इज 10 वोल्ट्स। V1, V2, V3 की वैल्यू वेरी इजी, बहुत ही आसान तरीके से अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब अपने पास दो चीजें बचती है, एक बचता है I1 और एक बचता है I2। अब I1 और I2 की वैल्यू कौन बता सकता है, रेज हैंड करके बताइए। आई वॉन्ट अ डिफरेंट स्टूडेंट टू आंसर दिस I1 एंड I2। फटाफट I1 और I2, बाकी सब तो सॉल्व हो गया इस क्वेश्चन का। यस, जानवी प्रजापत, टेल मी I1 का वैल्यू क्या रहा है, क्लियर टू एवरीवन। अब मैं मानता हूं कि सबको यहां तक क्लियर हो गया है कि हाँ सर अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे करंट निकालने को हो, चाहे पोटेंशियल निकालना हो, चाहे किसी भी ब्रांच के अंदर करंट निकालना हो, हमसे कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर सबको ये चीज चमक गई है, ठीक है, तो फटाफट हैंड रेज करके बता दो सभी लोग। बहुत बढ़िया, एवरीवन एवरीवन, सभी यस, दिव्यांश, दिव्यांश गहलोत, दिव्यांशु गर्वित अरोड़ा, हिमांशु मोदी, हिमांशु शर्मा, चलिए। तो यहां पर अपना ओम्स लॉ के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी काफी क्वेश्चंस किए क्लास के अंदर, एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड कि भाई किस तरीके से हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे, एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नोन एज पावर, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। ये देखिए,
इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर निकालने के लिए सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर एंड पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क एक आदमी कितना काम करता है कितने टाइम में करता है देयर इज वन पर्सन हु स्टडीज अ लॉट ठीक है एंड देयर इज वन पर्सन हु स्टडीज लेस ध्यान से देखिए एक बच्चा है जो कि 10 घंटे में एक चीज को याद करता है वही दूसरा एक बच्चा है जो 8 आवर्स में सेम चीज को याद कर लेता है एक आदमी को 8 घंटे लगे याद करने के लिए दूसरे बच्चे को 10 आवर्स लगे याद करने के लिए सो द पावर विल बी मोर ऑफ दैट स्टूडेंट विच इज टेकिंग लेस टाइम ठीक है दैट इज दैट पर्सन और दैट स्टूडेंट इज हैविंग ए मोर वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू ऑफ पावर सो व्हाट इज पावर इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क सो अपन लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन नाउ वर्क डन इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ जूल्स वर्क डन इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ जूल एसआई यूनिट इसका जूल रहता टाइम टेकन इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड्स Time taken is calculated in the form of seconds. So power is equal to work done upon time. So power is equal to work done upon time. Work done is what? देखिए potential is equal to work done upon charge. तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं that work done is equal to potential into charge. उठा के इस equation में put कर दो. So power will be equal to potential into charge. Divided by time. And what is this? Time. Q by T को क्या बोलते हैं? Electric current. So power का formula मेरे पास बनता है V into I. And this is the formula for electrical power. Or electrical power consumption of a circuit. Or electrical power consumption of an appliance. Now this formula can be modified into two different forms. This same formula can be modified into two different forms. कैसे एक बार मैं V को replace कर देता हूँ आई आर से और एक बार मैं I को replace कर दूंगा V by R. जब मैं V को आई आर से replace करता हूँ मेरे पास formula बनता है P is equal to I square R. और जब मैं एक बार I को replace करता हूँ V by R से तो मेरे पास formula बनता है P is equal to V square by R. ये दो formula और आ जाते हैं मेरे पास So basically power is what? Power is rate of doing work. क्या लिख सकते हैं अपन यहां पर Power is rate of doing work. Rate of doing work. And this rate of doing work is basically what? Potential into current. And इसके दो formula और निकाल दिए Now in circuits you can use any of the given formula. कोई भी given formula आप use करो आपका answer कभी भी गलत नहीं आएगा. Power का discussion हम continue रखेंगे in the next class. आज की class में अपन एक और चीज देखते हैं that what is the SI unit of power. So the SI unit of power is watt. WAT denoted by capital W. किसे denote करते हैं? WAT denoted by capital W and this is the power this is the SI unit of power ठीक है आप लोगों ने जब नोट्स लिखे होंगे तो नोट्स के अंदर आपने एक जगह पे देखा होगा दैट पावर के SI यूनिट की जगह मैंने जूल लिख रखा है ठीक है तो वो गलत है वो गलती से लिख दिया गया है वहां पर आपको क्या कर देना है ऐसे वॉट कर देना है क्या कर देना है ऐसे वॉट कर देना है चेक कर लेना सभी लोग अपने नोट्स के अंदर एंड जिस भी बच्चे ने मुझे नोट्स कॉपी नहीं भेजी है फोटो खींच के वो मुझे सेंड करे ठीक है वो मुझे सेंड करे क्योंकि मेरे पास 10th क्लास की बहुत कम बच्चों की कॉपियां आई है मेरे पास वेरी लेस सो आई वांट स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर वर्क एंड सेंड द वर्क टू मी एंड दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग एनी डाउट्स दे कैन कॉल मी बिटवीन 5 to 6 इन द इवनिंग ठीक है 5 से 6 बजे के बीच में आप मुझे शाम को कॉल कर सकते हैं अपन सारे डाउट्स वहां ले लेंगे
ठीक है, तो आज की क्लास में अपन सिर्फ इतना ही देखेंगे. इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट्स देन आप मुझे कॉल करिए बिटवीन 5 to 6. टुमारो देर विल बी नो क्लास, कल क्लास नहीं होगी. ठीक है, आप लोगों का हॉलीडे टाइप सी रहेगा जिसके अंदर देर विल बी नो क्लास. हो सकता है कि आपके लिए कुछ विनीत सर स्पेशल क्लास वगैरह लगाएं, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट पढ़ाई कल अपन नहीं करेंगे. ठीक है, तो आज की क्लास में अगर सबको सब कुछ समझ में आया तो एक बार हैंड रेज कर दो, फिर अपन क्लास बंद करते हैं.